आज आपके साथ एक नई अपडेट शेयर करेंगे, और वो अपडेट है जो भी लोगों के रेजिडेंस परमिट्स रिन्यूअल थे जिन्होंने खास तौर पे आयरन में कराए हुए थे और वो फंसे हुए थे, 4 4 5 5 महीने हो गए हैं और उसमें कोई अपडेट नहीं आ रही थी, जब भी कॉल करते हैं तो पता नहीं लगता। तो आज एक नई अपडेट आई है और आयमा की जानिब से ऑटोमेटिकली उनको ईमेल रिसीव हो रही हैं। जैसे ही आपका कार्ड डन हो जाता है, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक ईमेल रिसीव हो जाती है। मैं ऊपर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, कई लोगों को ये रिसीव हुई है जिनके कार्ड के प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए। इस ईमेल में ये लिखा हुआ है कि आपके कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली और आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको ये घर के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें ये है कि आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली एक जनरेटेड ईमेल रिसीव हो जाएगी जी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि अच्छी एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसमें ये है कि लोगों को ये पता लग जाएगा कि उनके कार्ड का प्रोसेस जो है वो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। हाँ, दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोसेस में टाइम जो है वो डिले जो है बहुत ही ज़्यादा है, 5 5 6 6 महीने हो गए लोगों को वेट करते हुए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम उनको एक ईमेल रिसीव हो रही है जिससे उनको ये पता लग जाता है कि उनके कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो परेशान हैं और जो वेट कर रहे हैं, और अपने ईमेल्स को चेक करते रहें। जैसे ही आपको ये ईमेल रिसीव होगी दैट मीन्स आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया और आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको CTT के थ्रू कार्ड्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते रहें।